Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all in my YouTube channel, Epicus Education. I hope you all are doing good. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. यहाँ पे बताऊँ मैं आप लोगों को पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल. हमने प्रूफ करना है जो अंडर रूट ऑफ 5 है ये इरेशनल नंबर है. थोड़ा सा बताऊँ इरेशनल नंबर के बारे में क्या होता है. इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम a अपान b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. लाइक हम एज्यूम करेंगे जो अंडर रूट ऑफ 5 है, मानेंगे ये है रेशनल नंबर. लाइक हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपान में b. ठीक है, तो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे दैट जो हमने एज्यूम किया था दैट वॉज रॉन्ग. करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व. एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम टू द कंट्रारी that under root of 5 is rational. So अगर under root of 5 rational है, that means हम इसको लिख सकते हैं in the form of a upon में b. Where A and B are co-prime. A and B जो है ये co-prime है, means A and B have no common factor. Other than one. So A and B जो है ये को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा. ठीक, we have under root of 5 equal to A upon में B. यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे पहले मैं स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपान बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर और रूट, इट विल बी कैंसल्ड, ये कैंसल होगा. यहाँ पे 5 आएगा इक्वल टू ए का स्क्वायर अपान में बी का स्क्वायर. बी को हम यहाँ पे लाएंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इट इम्प्लाइज दैट A divides, sorry, 5 divides A square. Implies that 5 divides A square. So, अगर आप लोगों को याद होगा हमने जो थॉर्म पढ़ी है 1.3, that says 5 divides A square, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट ये ए को भी डिवाइड करेगा. 5 डिवाइड्स ए
या हम पे लिखेंगे हम बाय थ्योरम, हियर वी कैन राइट, यहां पे मैं लिखूंगी ए, वी कैन राइट ए इक्वल टू 5c. ए यहां पे कोई नंबर है तो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लस सी के फॉर्म में. ठीक, लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, वी हैव 25, इट कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई में 5. ठीक, सो यहाँ पे जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन रही है, यहाँ पे मैं नाम देती हूँ इसको फर्स्ट वन. ठीक, तो ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 5c का होल स्क्वायर. 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25 सी स्क्वायर. ठीक, 5 × 5, 5 × 25. सो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट 5 divides b square. सो अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स बाय थ्योरम 1.3 इट डिवाइड्स बी टू. 5 divides b. सो यहाँ पे 5 निकल आया है कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए और बी का. पहले लिखूँ मैं यहाँ पे देयरफॉर a and b have at least 5 as a common factor. लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हमने ए और बी जो है इनको को प्राइम माना था, मीन्स कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. यहाँ पे लिखती हूँ मैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट जो हमने लिया था, द फैक्ट that A and B have no common factor. Like हमने माना था 1 ही है इनका common factor और कोई नहीं है. B have no common factor other than 1. सो जो हमने एज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग. अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल.